नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टेबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो GNM कॉलेज है वो कितने सरकारी GNM कॉलेज हैं जहां से आप GNM कर सकते हैं बहुत ही कम फी में। और देखिए, ये जो लिस्ट यहां पे जो है ये जारी किया है इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, जो कि 3 फरवरी 2022 को इसको जारी किया गया था ये लिस्ट, जिसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि देखिए, वैसे तो बहुत सारे GNM कॉलेज हैं झारखंड में जो कि प्राइवेट हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सरकारी कितने कॉलेज हैं GNM के। तो GNM ट्रेनिंग स्कूल पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि धनबाद में है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ से आप GNM कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो सीट है ये टोटल 40 सीटें हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज, वो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेट लिमिटेड स्कूल ऑफ नर्सिंग जो कि आपका ध्रुवा में है, और ये भी रांची में है और ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे 20 सीट्स हैं GNM के लिए। और उसके बाद देखिए ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये स्कूल ऑफ नर्सिंग बोकारो जनरल हॉस्पिटल जो कि सेक्टर 4 में है और ये बोकारो में है, और यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं ये 40 सीटें हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है देखिए ये आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये आपका जमशेदपुर में है जो कि गवर्नमेंट है और जहाँ पे टोटल 30 सीटें हैं GNM के लिए। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है स्कूल ऑफ नर्सिंग राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि बरियातू में है रांची में, ये भी गवर्नमेंट है और यहाँ पे टोटल 50 सीटें हैं GNM के लिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज है स्कूल ऑफ नर्सिंग सेंट्रल हॉस्पिटल जगजीवन नगर, ये आपका डिस्ट्रिक्ट धनबाद में है जो कि गवर्नमेंट है, और यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं 30 सीटें हैं GNM के लिए। और फिर उसके बाद देखिए ये सारे कॉलेज प्राइवेट हैं। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो झारखंड में हर साल क्या होता है, नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो कि हर साल होता है। इसके थ्रू ANM और GNM कोर्स में एडमिशन लिया जाता है यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको GNM में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, और नहीं तो फिर आपको ANM मिलता है। और देखिए ANM और GNM के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि नर्सिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि हर साल होता है, ठीक है। तो देखिए टोटल यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं झारखंड में, यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज का अगर सीट मिलाएं कि GNM का कितना सीट है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 210 सीटें हैं। 210 सीटें हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि झारखंड में है, 210 सीटें GNM की हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में आपका रैंक 210 से कम आता है, ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपको GNM मिल ही जाएगा। और फिर अगर देखिए थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है रैंक, तो अगर कोई बच्चे छोड़ देते हैं GNM नहीं करते हैं, किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर आपको GNM मिलने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, अगर 210 से नीचे आपका रैंक रहा तो समझ लीजिए कि आपको कन्फर्म है कि आपको GNM मिल जाएगा, 210 या 210 से नीचे, ठीक है।